चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़कर के देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले, और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं, और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून लाकर के जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो भी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है। और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खोलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है।